बार फिर से आपका यूनिक ऑनलाइन गुरु में स्वागत है। डियर, तो जैसा कि हम लोग फॉर्मेटिंग टैग में बोल्ड करना सीख चुके थे, आज हम लोग उसी के आगे चलते हैं। आज हम लोग इटैलिक करेंगे, कैसे अपने हम कंटेंट को, कैसे अपने मैटर को हम इटैलिक फॉर्मेट में करते हैं। तो हमारा वही सेम मेथड होगा। सबसे पहले नोटपैड ओपन करिए। बस यहाँ पे करना क्या है डियर, जहाँ पे सारा का सारा कुछ वही होगा। अगर आपको टाइटल चेंज करना है तो यूनिक ग्रुप की जगह आप यहाँ पे यूनिक ऑनलाइन कर दीजिए। यानी कहने का मतलब, जो टाइटल आपको चेंज करना है उस टाइटल को आप चेंज कर सकते हो, जिस टाइटल को नहीं चेंज करना आप उसी पर भी फॉर्मेटिंग टैग अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पे हमने यूनिक ग्रुप की जगह यूनिक ऑनलाइन कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या टाइप कर दिया डियर, यूनिक ऑनलाइन हमने यहाँ पे टाइटल, या डायरेक्ट यूनिक ही हमने यहाँ पे टाइटल दे दिया, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब क्या करना है, हेड हमारा वही बंद हुआ, बॉडी हमारा ओपन हुआ। अब यहाँ पे ध्यान रखना, इटैलिक करना है तो क्या करना है भाई, यहाँ पे हमको बी की जगह क्या लगाना है, आई टैग लगाना है। बी की जगह क्या लगाना है, आई टैग लगाना है। और आई टैग हमारा जैसे यहाँ पे लगेगा, और देखिए लास्ट में हमको इसी चीज को, अगर आपको कोई चीज यहाँ पे बोल्ड इटैलिक करना है तो कंटेंट सेम हो, क्या दिक्कत है। हमने यहाँ पे आई टैग को क्लोज कर दिया, बॉडी को क्लोज कर दिया, HTML को क्लोज कर दिया, और पुनः मैं फिर वही काम किया, यानी अपनी फाइल को क्या किया, सेव कर लिया। ठीक है, तुरंत हम गए सेव कर लिए, वही डेस्कटॉप हमने सेलेक्ट कर लिया, वही फाइल का नेम यहाँ पे हम चेंज कर दिए। अब यहाँ पे रोहित नाम से हम फाइल को सेव कर देंगे, यानी यहाँ पे हमारी जो फाइल थी वो रोहित नाम की फाइल हो गई। .html लगा के हम सेव कर देंगे, .html के साथ हम क्या करेंगे, अपनी फाइल को सेव कर लेंगे। ओके, अब क्या करेंगे, फाइल हमारी सेव हो गई। अब फाइल जब यहाँ पे सेव हो गई डियर, तो अब क्या करेंगे भाई, यहाँ पे जैसे फाइल सेव हुई अब हम इसको मिनिमाइज कर लेंगे और इसका हम आउटपुट यहाँ पे प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, हम इसका क्या करते हैं, आउटपुट प्राप्त कर लेते हैं। और जैसे हम यहाँ पे आउटपुट प्राप्त करते हैं, वैसे देखिएगा आउटपुट हमें क्या मिल गया, हमारा जो कंटेंट था वो इटैलिक फॉर्मेट में हमारा कंटेंट मिल गया। देखिए हमारा यूनिक ऑनलाइन गुरु जो आपको दिख रहा है, ये इटैलिक फॉर्मेट में दिख रहा है। ठीक है, ये हमारा कैसे दिख रहा है, इटैलिक फॉर्मेट में दिख रहा है। हम बोल्ड इटैलिक दोनों कर सकते हैं। अब वहीं पे क्या करेंगे, बी टैग भी अप्लाई कर देंगे, क्या कर देंगे, बी टैग भी अप्लाई कर देंगे, बोल्ड इटैलिक दोनों हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया इटैलिक फॉर्मेट में। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा डियर दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और इसमें हम लोग कोडिंग करना बहुत ही आसानी से सीखते हैं, नो प्रॉब्लम। इसी तरीके से हम अपने पूरे फॉर्मेटिंग टैग को अप्लाई करेंगे। ओके डियर,